जैसा कि हम सबको पता है कि पिछले 3 दिनों से हम ऑन पैसिव के ofounder.net वेब पोर्टल और इकोसिस्टम वेब पोर्टल को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण है कि ऑन पैसिव के इन वेब पोर्टल में माइग्रेशन किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये माइग्रेशन की प्रक्रिया क्या है और इसे वेब पोर्टल में क्यों किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेबसाइट माइग्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइग्रेशन को हिंदी में कहते हैं प्रवास, यानी एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होने की प्रक्रिया को प्रवास कहा जाता है या फिर माइग्रेशन कहा जाता है। और वेबसाइट माइग्रेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी वेबसाइट को एक डोमेन नेम से दूसरे डोमेन नेम पर शिफ्ट करते हैं, तो इस प्रक्रिया को वेबसाइट माइग्रेशन कहा जाता है। यानी ओ फाउंडर डॉट नेट वेबसाइट को यदि हम इकोसिस्टम में मूव करना चाहते हैं, यदि हम इकोसिस्टम में ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें माइग्रेशन करना होगा। यानी कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि एक वेबसाइट को किसी दूसरे वेबसाइट में मूव करने की प्रक्रिया को माइग्रेशन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमें वेबसाइट में माइग्रेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि यदि किसी वेबसाइट को किसी दूसरे डोमेन नेम में शिफ्ट करना हो, किसी दूसरे वेबसाइट में मूव करना हो, तो इसके लिए हमें माइग्रेशन करना होगा। अब हमें यह समझना होगा कि ऑन पैसिव में ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण इकोसिस्टम वेब पोर्टल को और ofounder.net वेब पोर्टल को माइग्रेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ऑन पैसिव का इकोसिस्टम वेब पोर्टल और ofounder.net वेब पोर्टल दोनों को माइग्रेशन किया जा रहा है, माइग्रेट किया जा रहा है। और इससे यही लगता है कि ofounder.net वेब पोर्टल का जितना भी सर्विस है, उन सभी सर्विस को इकोसिस्टम वेब पोर्टल में मूव किया जाएगा। और यही कारण है कि अभी ofounder.net वेब पोर्टल और इकोसिस्टम वेब पोर्टल को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और यह सब मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। इसका आधिकारिक रूप से अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, ऑन पैसिव की ओर से इसकी सूचना नहीं दिया गया है। और माइग्रेशन प्रक्रिया पूरा होने के बाद ofounder.net वेब पोर्टल में जो भी सर्विस है, उस सर्विस को फाउंडर इकोसिस्टम वेब पोर्टल में ही एक्सेस कर सकेंगे। यानी ofounder.net में जो भी फीचर्स और ऑप्शंस था, उन फीचर्स और ऑप्शंस को इकोसिस्टम में ही ऐड कर दिया जाएगा और फाउंडर इकोसिस्टम से ही उन फीचर्स और ऑप्शंस को यूज कर सकेंगे। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद कई लोगों के मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि जब ofounder.net का सभी ऑप्शंस और फीचर इकोसिस्टम में आ जाएगा तो फिर ofounder.net डोमेन नेम का क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कोई यूजर या फाउंडर ofounder.net डोमेन नेम को एक्सेस करेगा तो वह सीधा ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने गूगल में ofounder.net को सर्च किया तो सर्च लिस्ट में ofounder.net के वेबसाइट का लिंक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है ofounder.net और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने onpassive.com वेब पोर्टल ओपन हो जाता है। यानी इसका मतलब है कि ofounder.net डोमेन नेम को अभी से ही onpassive वेब पोर्टल से लिंक कर दिया गया है। यानी जब भी कोई ofounder.net डोमेन नेम को सर्च करेगा या फिर ofounder.net डोमेन नेम को एड्रेस बार में टाइप करेगा तो वह डायरेक्ट onpassive वेब पोर्टल पर चला जाएगा। यानी कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि ऑन पैसिव में अभी जो माइग्रेशन की प्रक्रिया चल रहा है उसमें ofounder.net वेब पोर्टल को इकोसिस्टम वेब पोर्टल में शिफ्ट किया जा रहा है, इकोसिस्टम वेब पोर्टल में मूव किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं।